हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुमन। वेलकम टू माई चैनल स्टडी विद सुमन। डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल रीड क्लास 8, चैप्टर 1, मदर एंजल। टुडे दिस चैप्टर इज फ्रॉम बुक मलबरी, योर इंग्लिश रीडर बुक। लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। दिस चैप्टर इज अबाउट मदर टेरेसा। इट्स इन द फॉर्म ऑफ अ पोएम। एक पोएम के रूप में है। और मदर टेरेसा, अब मदर टेरेसा जो है उन्हें कौन नहीं जानता। उन्होंने अपना पूरा जीवन गरीबों के लिए, लेप्रसी के लोगों के लिए, जो बहुत स्लम एरियाज के लोग थे, उन सब के सेवा करने में अपना पूरा जीवन गुजार दिया। एक नन के रूप में, एक क्रिश्चियन नन के रूप में उन्होंने पूरा जीवन लोगों की सेवा करते हुए बिताया। तो मदर टेरेसा वॉज बॉर्न इन 1910 इन स्कॉप। एट अ यंग एज शी फेल्ट अ कॉलिंग टू नर्न एंड सर्व द थ्रू हेल्पिंग द पुअर। दिस पोएम इज अ ग्लैंस ऑफ हर वर्क्स। अभी जो पोएम है ये ग्लैंस है, एक झलक है उनके कामों की जो उन्होंने पूरी ह्यूमैनिटी के लिए, जो मैनकाइंड के लिए किया। लेट्स स्टार्ट दिस पोएम। मदर टेरेसा सेड, वी डू नो ग्रेट थिंग्स बट ओनली स्मॉल थिंग्स विद ग्रेट लव। मदर टेरेसा ने क्या कहा था कि हम कोई बड़ी चीज़ें नहीं करते हैं, वो महान चीज़ें नहीं करते हैं, परंतु कुछ छोटी चीज़ें करते हैं, लेकिन विद ग्रेट लव, बहुत सारे प्यार के साथ। द लव शी गेव वॉज सो ग्रेट। अब वो लव जो मदर टेरेसा ने दिया, सबको बांटा, वो इतना बड़ा था, इतना महान था, दैट द क्रिपल्ड एंड द नीडी वर हर मेट। क्रिपल्ड, अब क्रिपल्ड कौन है? क्रिपल्ड वो पर्सन जो डिसेबल्ड है, जिसके शरीर का कोई अंग नहीं, किसी का हाथ नहीं, किसी का पैर नहीं है, जो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है। एंड द नीडी वर हर मेट, और वो ज़रूरतमंद लोग, जो गरीब लोग, वो सभी उसके मेट्स थे, सभी उसके फ्रेंड्स थे, साथी थे। द सेंट ऑफ द डेस्टिट्यूट्स एंड द डाइंग शी एम्ब्रेस्ड, हु इन पेन एंड ग्रीफ फॉर साइन। द सेंट ऑफ द डेस्टिट्यूट्स, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ डेस्टिट्यूट्स? द पर्सन्स हु आर विदाउट द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। अब क्या बेसिक नेसेसिटीज हैं हमारे जीवन के लिए, हमारे जीने के लिए? भोजन है, मकान है, सुविधाएं हैं, खाने पीने के लिए, रहने के लिए मकान, कपड़ा पहनने के लिए। अब ऐसे व्यक्ति भी हमारे दुनिया में हैं, इस जहान में हैं, जिनके पास ये बेसिक नीड्स भी नहीं है। तो सेंट ऑफ द डेस्टिट्यूट, तो मदर टेरेसा जो थी, ऐसे व्यक्तियों के लिए जिनके पास बेसिक नेसेसिटीज भी नहीं थे, उनके लिए एक संत थी, एक संत के रूप में जानी जाती हैं। एंड द डाइंग, जो व्यक्ति मर रहे थे, जो मरने के कगार पर थे, उन्होंने उसकी सेवा की। अब शी एम्ब्रेस्ड, उसने उन्हें गले लगाया। हु इन पेन एंड ग्रीफ फॉर साइन, जो दर्द में थे, दुख में थे, जो दुख से कराह रहे थे, ऐसे लोगों को, बहुत गरीबी में रहने वाले लोगों को, बहुत ज़्यादा बीमारी उस समय जैसे कुछ शोक फैला हुआ था, ऐसे व्यक्तियों को, जिसे लेप्रसी थी, ऐसे व्यक्तियों को उन्होंने गले लगाया बिना किसी भेदभाव के, सेवा की उनकी। मदर एंड अपोस्टल ऑफ पीस एंड वर्कड फॉर द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। वो मदर कौन? मदर टेरेसा, जो कि शांति के एक एंजल थी, अपोस्टल, वो गॉड का फरिश्ता थी, गॉड के द्वारा भेजा गया एक मैसेंजर था, एक फरिश्ता था, जिन्होंने पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, गरीब, बहुत ज़्यादा गरीब हैं, उन सब के लिए काम किया। द लिविंग लेजेंड विल कॉन्टिन्यू टू लिव। अब इनकी जो कहानियाँ हैं, जो ट्रेडिशनल स्टोरीज हैं, जो ये कहानियाँ आगे भी कॉन्टिन्यू टू लिव, ये आगे भी बहुत लंबे समय तक जीवित रहेंगी। इनकी कहानियाँ बहुत पुराने लंबे समय तक फ्यूचर में, आने वाले फ्यूचर में लोग, बच्चों को बताई जाएंगी कि मदर टेरेसा ने गरीबों के लिए कितना ज़्यादा काम किया, उनकी किस प्रकार सेवा की। इफ़ द ऑर्फन्स, लेपर्स एंड द हैंडीकैप्ड फाइंड कम्फर्ट एंड स्ट्रेंथ इन आवर लैप। यदि ऑर्फन्स, ऑर्फन्स मतलब जिनका अपने माँ बाप नहीं है, घर नहीं है, अनाथ हैं, लेपर्स जिन्हें लेप्रसी है, कुछ स्ट्रोंग हैं, एंड द हैंडीकैप लोग जिनके हाथ है, पैर अपाहिज लोग हैं, वो हमारी गोद में, या उसकी वो मदर टेरेसा की गोद में कंफर्ट और अपने आप को, एक उनमें स्ट्रेंथ आती थी, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतने प्यार से अपने बच्चों की तरह उनकी इतनी मदद की, उनकी इतनी हेल्प की कि उनका जीवन जो था
वो बहुत अच्छा हो गया और मदर टेरेसा जो थी वो आज भी अमर हैं उन लोगों की यादों में जिनके साथ हो रही एक नन के रूप में। वैसे तो पूरा विश्व उन्हें मदर कहता है और माँ एक ऐसी होती है जिसे किसी में कोई भेदभाव अपने बच्चों में भेदभाव नहीं करती हैं। इसी प्रकार मदर टेरेसा ने बिना किसी भेदभाव किए हर व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी धर्म जाति संप्रदाय समुदाय किसी भी संप्रदाय का था लेकिन वो इंसान था, उन केवल एक इंसानियत के तौर पर उन सब की मदद की, हेल्प की। इसलिए आज मदर टेरेसा को याद किया जाता है, हमने नमन करते हैं। तो बच्चों ये थी आज की हमारी पोएम मदर एंजल। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल सर्विस सुमन। थैंक यू।